Hello friends, I am Anupam Chauhan. Now today I will start my first topic, determiners. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि SI का examination MP में होने वाला है, जो कि अक्टूबर महीने में. तो उसके लिए मैं आपको टोटल इंग्लिश के जो 8 टॉपिक्स हैं वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ. और आप लोग धीरे धीरे करके उस टॉपिक्स पर बहुत अच्छी कमांड मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना पाएंगे. एंड आई होप यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम मी. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि SI के एग्जाम में जो सबसे पहला जो टॉपिक है और सबसे मेन टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स. ये जो डिटर्मिनर्स टॉपिक है, लगभग इसकी लास्ट ईयर MPSI में 5 to 6 एरर्स आई थी, है ना. तो आप लोग कोशिश करेंगे, लगभग मैं आपको 40 के आसपास डिटर्मिनर्स पढ़ाऊंगा. तो इसमें से मुझे लगता है कि इसके बाहर एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक आपका डिटर्मिनर्स में नहीं जाएगा, ठीक है. तो अपन आज इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में अधिकतर जो लोग होते हैं वो डिटर्मिनर्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं. बट नाउ आई विल फोकस ऑन द वर्किंग ऑफ द डिटर्मिनर्स. मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं. यदि आप इसके बेसिक फंडामेंटल को समझ पा रहे हैं तो देन आपको एग्जाम में ये बहुत ही इजी पड़ेगा टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा. बट आपको कोशिश करना है कि डिटर्मिनर्स के फंडामेंटल को आप समझें. तो सबसे पहले जो डिटर्मिनर्स होता है, हमें ये जानना है कि ये वर्कआउट कैसे करता है. तो सबसे मेन चीज, जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे एडजेक्टिव बनते हैं. नाउ व्हाट आई से, ऑल द डिटर्मिनर्स बिकम्स एन एडजेक्टिव. All the determiners becomes an adjective. जितने भी determiners हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं? Adjective. यदि वो adjective नहीं है तो फिर वो क्या बनते हैं? Pronoun. समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जितने भी determiners होते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं? Adjective. Then again I say कि यदि वो adjective नहीं है then they become pronoun. तब भी क्या बनते हैं? Pronoun बनते हैं. तो सबसे मेन चीज आपको यह समझना है कि वो एडजेक्टिव बनते हैं एक बार और प्रोनाउन कितने बार बनते हैं? 2 बार. मैं ये आपको अभी सेशन में एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि कैसे वर्कआउट करते हैं. तो सबसे पहली चीज आप मेरी ये समझिए कि यहां पर आपको डिटर्मिनर्स को नहीं समझना है, आपको यह समझना है कि इनकी जो वर्किंग है वो कैसे है. देन आपको अपने आप टॉपिक समझ में आने लगेगा. तो मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी है कि जितने भी जो डिटर्मिनर्स हैं या तो वो एडजेक्टिव बनते हैं या प्रोनाउन. तो हमारे सामने जो सबसे पहली चीज आती है तो हमें ये समझना है कि एडजेक्टिव होते क्या है. तो इसकी हम एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. तो सबसे पहले मैं एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहूंगा. तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अप्रनाउन. कहने का मतलब क्या है, मेरी बात को समझिएगा और कोशिश करिए. आपको यदि बहुत अच्छे से इस टॉपिक को गेन करना है तो मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाने की कोशिश करिए. आपको मेरी जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे से डेप्थ में यदि समझना है तो आप भी कोशिश करिए इन सब चीजों को लिखने की. मैंने क्या लिखा है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? एक एडजेक्टिव, देखिए ध्यान से, किसकी विशेषता बताता है? या तो एक नाउन की या फिर प्रनाउन की, ठीक है. तो भाई एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला आप लोगों से, आपको तो फंडामेंटल नॉलेज को समझना है. देखिए फंडामेंटल कैसे पकड़ेंगे, बस इतनी सी बात है, आपको इतनी सी चीज को ध्यान रखिए. जैसे ही कोई एडजेक्टिव के बारे में बोले तो आपके दिमाग में 2 ही चीज चलनी चाहिए भाई, बस नाउन और प्रोनाउन. इसका मतलब मैंने यहां पे ये टिक मार दिया कि भाई जब भी हम एडजेक्टिव की बात करें तो हमारे माइंड में किसकी पिक्चर आनी चाहिए? नाउन या प्रोनाउन की, उसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं. तो देखिए जैसे ही हमने डिटर्मिनर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने लिखा किससे किया? एडजेक्टिव से. फिर एडजेक्टिव को जब हमने समझा तो हमने किसको फोकस किया? नाउन और प्रोनाउन को. तो थोड़ा सा अपन जब नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा कि नाउन और प्रोनाउन होता क्या है. बेसिकली अब देखिए अपन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर कोई एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है कि नाउन क्या होती है. आपको तो बस माइंड में, क्योंकि एरर्स हमको लगानी है तो इतना याद रखना है कि नाउन क्या है? बस एक नेम. नाउन क्या है? नेम है. इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक का एक नाम है. जैसे यू नो मच बेटर, माय नेम इज अनुपम, मेरा नाम अनुपम है. आप सभी लोग देख रहे हैं आपके सामने ये बोर्ड है, तो बोर्ड भी एक नाम है. या मेरे हाथ में एक पेन है तो पेन भी एक नाम है.
आ रही है आपको बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मोनू, मोनू एक लड़के का नाम है, या मैंने लिखा मोनिका तो मोनिका एक लड़की का नाम है, या मेरे हाथ में पेन है तो पेन भी एक नाम है। तो इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है, जो भी नाम है वो सारी क्या है, नाउन है। जैसे अपन प्लेस की बात करते हैं, वी आर लिविंग इन भोपाल या सम वी आर अदर स्टूडेंट्स आर लिविंग अनदर प्लेसेस अनदर प्लेस, तो मैं यहां पर बात करता हूं कि जितनी भी नाउन है वो सब नेम है, बट कुछ इमोशंस भी होते हैं। जैसे आप बोलते हैं हैप्पीनेस हो गया, सारो हो गया, डिफिट हो गया, विक्ट्री हो गया, वो सब भी नाउन है। बट मोटा हिसाब यदि मैं बोलूं तो नाउन क्या है, केवल नेम है। सेकंड नंबर पे क्या है, प्रनाउन। अब आप प्रनाउन की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, प्रनाउन की। तो प्रनाउन क्या है, ध्यान से समझिएगा, आप सभी को इतना तो आइडिया है कि जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रनाउन होता है। जैसे मैं ऊपर वाली बात को बोलूं मोनू, तो मोनू की जगह पे मैंने लिख दिया ही, या भाइयों मैंने लिखा मोनिका की जगह पर क्या लिख दिया, शी, और मेरे हाथ में पेन है तो पेन की जगह पे मैंने लिख दिया एट। तो यू नो मच बेटर, जो भी चीजें नाउन को रिप्लेस कर रही है वो सारी चीजें क्या है, प्रनाउन है। जो चीजें नाउन को रिप्लेस कर रही है वो सारी चीजें क्या है, प्रनाउन है। तो ये दो चीजें सबसे मेन है, किसको समझने के लिए, एडजेक्टिव को समझने के लिए। नाउ आई विल अगेन कम ऑन द टॉपिक कि एडजेक्टिव क्या होता है, देन हम उसको कैसे डिटरमिनर से इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा, मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग करी है मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहां पर नाउन और प्रनाउन की जो विशेषता बताता है मैंने कहा वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैंने ये लिया, नाउ राम इज गुड, राम इज गुड। तो देखिए यहां पे राम, जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी मेन वर्ब, और गुड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जो गुड आ रहा है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को। तो जो राम है वो नाउन है, आप सभी समझ रहे हैं कि राम जो है यहां पे नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड। तो नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है इसलिए वो एडजेक्टिव है। या मैं यहां पर लिख देता हूं नाउ ही इज ऑनेस्ट, तो आप सभी जानते हैं ही एक क्या है, प्रनाउन है, ये यहां पे सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑनेस्ट यहां पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑनेस्ट जो है, जो ऑनेस्ट वर्ड है वो यहां पर ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं वो चीजें जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बता रही है वो सारी की सारी क्या है, एडजेक्टिव्स है। देन जैसे मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी मैं बात करता हूं, मैंने किसी की फीमेल का नाम लिया, आप लोगों ने अभी सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सबकी फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण है, अपन दीपिका पादुकोण का एग्जांपल लेते हैं। जैसे दीपिका नाउ पादुकोण, नाउ दीपिका पादुकोण इज ब्यूटीफुल, मुझे लगता है मेरी इस बात से सभी एग्री करेंगे कि दीपिका पादुकोण इज ब्यूटीफुल। तो नाउ शी इज सब्जेक्ट, इट इज माय मेन वर्ब एंड इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है, दीपिका पादुकोण के लिए। तो दीपिका पादुकोण कौन है, एक नाम है किसी का, तो नेम मतलब क्या है, नाउ नाउन। तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउ ब्यूटीफुल बिकम्स एन एडजेक्टिव। अगेन प्लीज फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रनाउन, वो चीजें जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बता रही है। नाउ शी इज, नाउ व्हाट आई से, नाउ शी इज टॉल, वो कैसी है, टॉल है। अब देखिए यहां पे, अभी दीपिका पादुकोण एक नाउन था, अब यहां पर नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है, शी। नाउ शी बिकम्स एन प्रनाउन, शी बिकम्स अ प्रनाउन, ये अपनी मेन वर्ब है, और टॉल फिर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। मगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो टॉल है वो क्या है, एडजेक्टिव, और जो टॉल वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है, शी के लिए। तो जो प्रनाउन को भी, प्रनाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है वो भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, यहां तक आपको बेसिक समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, फिर मैं उसको डिटरमिनर से क्लब करूंगा। देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज अभी समझा रहा हूं, मैं बार बार जो आपको बोलना चाह रहा हूं कि सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये तो कोई भी सिखा देगा, आपको इसकी वर्किंग समझना है कि डिटरमिनर्स कैसे वर्कआउट करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव।
If they are not adjective, then they become pronoun. यदि वो adjective नहीं है, तो फिर वो क्या बनेंगे? Pronoun. फिर मैंने बताया, sorry, एक बार क्या बनेंगे? Adjective. और pronoun कितने बार बनेंगे? Two times. फिर मैंने लिखकर किया कि adjective क्या होता है? तो इतनी सी बात बताई, जो noun और pronoun की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? Adjective. जो noun और pronoun की विशेषता बताता है adjective, तो मैंने आपको समझाया ना, Ram is good, good adjective है, he is honest, honest adjective है, यहाँ पे Ram को good qualify कर रहा है, यहाँ पे honest किसको qualify कर रहा है, he को. फिर मैंने बताया ना, दीपिका पादुकोण is beautiful, जो beautiful word है, वो किसको qualify कर रहा है, दीपिका पादुकोण को. दीपिका पादुकोण कौन है? Noun है. फिर मैंने दीपिका पादुकोण को replace किससे किया? She से. तो she कौन है? Pronoun. और यहाँ पे pronoun को कौन qualify कर रहा है? Tom. तो वो चीजें जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही हैं, वो सभी क्या है? एडजेक्टिव है. अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे डिटरमिनेंट्स को एडजेक्टिव से लिंकअप करें, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक. ओके, तो आप देखिए, फोकस करिएगा. देखिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं. ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, आपको इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, या अदर्स कोई भी लोअर या हायर एग्जाम्स हो, उसमें सब जगह पर आपको यूज होगा. देखिए, मैं आपको एक उल्टा स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. देखिए, सबसे पहले आती है नाउन, ठीक है? सबसे पहले क्या आती है भाई? नाउन. देन बिफोर द नाउन एडजेक्टिव कम्स. बिफोर द नाउन एडजेक्टिव कम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सबसे पहले क्या आता है? नाउन. नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. देन एडजेक्टिव के पहले, नाउ थर्ड स्टेज इज एडवर्ब. देन बिफोर द एडवर्ब आर्टिकल कम. नाउ बिफोर द एडवर्ब आर्टिकल कम्स. नाउ दिस इज फोर्थ पॉइंट. तो अभी मैं एडवर्ब के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक डिटरमिनेंट्स है, तो मेरा एडजेक्टिव पे फोकस है. अब देखिए, मैं इस ऑर्डर को आपको सेंटेंस में लिख के समझाऊंगा कि मैंने ऐसा उल्टी गिनती क्यों लिखी है. आप इसको फोकस करिए. जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, नाउ दीपिका पादुकोण, नाउ आई विल स्पीक, ठीक है? देन यहां पर फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, यदि मैं आर्टिकल का यूज कर रहा हूं, देन नाउन शुड बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन. नाउ एज फॉर सिंगुलर, C for countable and N for noun. Now Deepika Padukone is a very beautiful girl. Now Deepika Padukone is a very beautiful girl. तो देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान से फोकस करिए. गर्ल यहां पर नाउन है, देन नाउन के पहले ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडवर्ब. और एडवर्ब के पहले क्या आता है? आर्टिकल. देखिए, ऊपर जो मैंने आपको सीरीज समझाई है, बन गई वन, now two, now that is three, and the last one is four. इसी बेस पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा सकता हूं. जैसे मैंने बोला नाउ, देखिए यदि इसी बेस पे मैं एक और एग्जाम्पल लू, थोड़ा सा मेरा स्पेस को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? स्पेस कम दिख रहा है. नाउ ही इज अ वेरी टॉल बॉय. वो बहुत लंबा लड़का है. Now boy is a noun, then tall is adjective, then very is adverb, and a becomes an article. अब देखिए, ये सीरीज यही डिटर्मिनर का बेस है. अब ध्यान से देखेंगे तो गर्ल एक नाउन है. बस इतना ध्यान रखना है बच्चों आपको कि नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. जैसे बॉय एक नाउन है, तो नाउन के पहले टॉल क्या है? एडजेक्टिव. तो मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी डिटरमिनर्स हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं? एडजेक्टिव. तो आपको अब एक चीज पकड़ना है एग्जाम में कि यदि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव बनते हैं तो आपको एक चीज क्लियर रखना है कि जब भी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव बनेंगे तो तब वो किसके पहले आएंगे? नाउन के पहले. तभी वो क्या बनेंगे? एडजेक्टिव. यही मेरा पॉइंट है. आपको आ रही बात समझ में? वंस अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि जितने भी डिटरमिनर्स हैं यदि वो एडजेक्टिव बनेंगे तो भाई एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए. तो नाउन के कब आ रहा है? पहले. तो जब भी कोई डिटरमिनर्स एडजेक्टिव बनता है तो भाई हमेशा आप लोगों को याद रखना है वो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले. अब देखिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूंगा. उसके पहले एक बार फिर देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा.
सीरीज क्या है, सबसे पहले उल्टा समझना है, सीधे नहीं जाना है। सबसे पहले नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले क्या आता है, आर्टिकल। मैंने लिखा ना दीपिका पादुकोण इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आप तो बस इतना वेटेज दीजिए कि गर्ल नाउन है तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। यदि बॉय नाउन है तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव। अब देखिए आप, मैं इसी सीरीज पे दोबारा फोकस करूंगा। यहां पर जो मैंने लिखी हुई है नाउ एडजेक्टिव देन द नाउन। अब देखिए आप लोग, यदि मैं यहां पे सीरीज की बात कर रहा हूं, ये सीरीज मेरी फर्स्ट सीरीज है। अब मैंने यहां पर सबसे पहला एग्जांपल जो लिखा, देखिए नाउ सम पेंस आर ब्लैक, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है सम पेंस आर ब्लैक, नाउ कुछ पेन काले हैं, ठीक है। अब देखिए यदि मैं यहां पर बोलता हूं कि पेंस नाउन है, या आप इस पूरे को मान लो, ये जो पूरी चीज लिखी है, ये पूरा जो चीज है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आर हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लैक है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। नाउ यदि मैं वैसे देखूं तो ब्लैक एक कलर है, ब्लैक एक कलर है, और कलर क्या है, नाउन। तो आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी नाउन है, हम नाउन को किसकी तरह यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह। जितनी भी नाउन है हम उसको किसकी तरह यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। मैं इस पर अभी फोकस करूंगा, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करूंगा, मगर पहले अपन डिटरमिनर्स को समझते हैं। तो यदि पेंस यहां पे नाउन है, तो देखिए फोकस करिए कि नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। इसका मतलब यदि पेंस यहां पर नाउन है तो सम क्या बनकर आएगा भाइयों, एडजेक्टिव। आ रही बात आपको समझ में? तो सबसे पहले ये देखिए, अब यदि सम यहां पर एडजेक्टिव बनकर आ रहा है तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेंस को। भाई पेन तो है मगर कितने, कुछ। तो देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जब डिटरमिनर एडजेक्टिव बनता है तो कितने बार बनेगा, एक बार एडजेक्टिव बनेगा, और प्रोनाउन कितने बार बनेगा, दो बार। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पर। जब हम इसकी सेकेंड स्टेज पे आते हैं, मैंने यहां पर लिखा है कि प्रोनाउन कितने बार बनेगा, दो बार। अब आपको अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो देखिए यहां पे पेंस को मैंने उठा के लास्ट में रख दिया। नाउ आई विल से, नाउ सम आर ब्लैक पेंस। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सम के साथ मैंने आर का यूज किया है, तो यदि मैं पूछूं तो क्या मैंने सम को देखकर आर लगाया, नहीं, मैंने सम के साथ आर का यूज नहीं किया। एक्चुअली मैं जब मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ता हूं, तो जब मैं ऑब्जेक्ट पे देखता हूं तो मैंने क्या लिखा हुआ है, पेंस। और पेंस यहां पर कौन सी नाउन है, प्लूलर काउंटेबल नाउन। पेंस कौन सी नाउन है, प्लूलर काउंटेबल नाउन। तो जैसे ही पेंस आया तो पेंस को देखकर मैंने आर लगाया, मगर ये पेंस किसके अंदर छुपे हुए हैं, तो ये पेंस जो है एक्चुअली में किसके अंदर है, सम के अंदर। अब आप ध्यान से सीखिएगा, यदि पेंस यहां पर नाउन है तो जो नाउन को रिप्लेस करता है भाई वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो देखिए यहां पे सम क्या बनकर आ रहा है, प्रोनाउन। बट सम क्या है, प्रोनाउन से पहले यदि मैं बात करूं तो एक डिटरमिनर से। सम क्या है, डिटरमिनर्स। तो मैंने सम को देखकर आर नहीं लगाया, सम के अंदर जो नाउन छुपी हुई है पेंस, उसको देखकर मैंने क्या लगाया, आर। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए एक बार ये क्या बन गया, प्रोनाउन। अब मैंने कहा था दो बार बनेगा, तो सेकेंड टाइम कैसे बनेगा, तो आप एक चीज को याद रखना, अलग से मैं आपको लिखवा देता हूं कि जितने भी डिटरमिनर्स हैं, जितने भी डिटरमिनर्स हैं, यदि उनके बाद, जितने भी डिटरमिनर्स हैं उनके बाद जब आप ऑफ का यूज करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी नाउन आएगी उसमें हम अधिकतर दा का यूज करेंगे। तो जब भी ऑफ का यूज होता है तो इसका साउंड होता है डिटरमिनर्स में मे से। क्या साउंड होता है, मे से। ये जो पर्पस होता है, जब भी कोई डिटरमिनर्स ऑफ के साथ आता है, तो आप तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, जब भी कोई डिटरमिनर्स ऑफ के साथ आता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोनाउन। जब भी कोई डिटरमिनर्स किसके साथ आ रहा है, ऑफ के साथ, तो वो डिटरमिनर्स क्या बन जाता है, प्रोनाउन, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पर्पस होता है, ये जो एग्रीमेंट होता है, ये किसके लिए यूज होता है, सिलेक्शन पर्पस के लिए। मैं आपको भी इसको यूज करके बताऊंगा, सिलेक्शन पर्पस का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए कैसे,
अब मैंने लिखा नाउ सम ऑफ द पेंस आर ब्लैक, सम ऑफ द पेंस आर ब्लैक, इसका मतलब क्या है? देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, नाउ पेनो, कैसे पढ़ेंगे? पेनो में से, पेनो में से कुछ काले हैं, ठीक है। देखिए तीन अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, मेरा पहला सेंटेंस ये था, अपन इसको नंबर्स को चेंज कर देते तो अच्छा रहेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। यहां पर सबसे पहला जो सेंटेंस था भाई, ये जो मैंने लिखा था वो क्या लिखा था कि भाई कुछ पेन काले हैं, मेरा जो पहला सेंटेंस था वो ये था कुछ पेन काले हैं, तो मैंने बताया था पेन यहां पर क्या थी, नाउन, तो नाउन के पहले सम क्या बना था, एडजेक्टिव। फिर मैंने बोला यहां पर बोला था कुछ पेन काले हैं, फिर मैंने बोला कुछ काले पेन हैं, कुछ काले पेन हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन देखिए कैसे हो रहा है, पेनों में से कुछ काले हैं, तो यहां पर पेन्स क्या है, नाउन है, मैं क्या बोल रहा हूं, पेनों में से कुछ, तो जो कुछ वर्ड है नाउ इट इज प्रोनाउन, पेनों में से कुछ काले हैं, और नाउन जब पीसीएन है तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, आर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आया आपको समझ में? देखिए पहली बार क्या बना, एडजेक्टिव, फिर क्या बना, प्रोनाउन, और फिर सेकंड टाइम में क्या बना, प्रोनाउन, तो दो बार प्रोनाउन बनकर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है आपको एक चीज समझ में आ रही है, अब देखिए कैसे आ रहा है, आप लोग इसको लिखिएगा, पहले सबसे पहले आप लिखिएगा कैसे आ रहा है। तो आपने क्या सीखा कि जब भी कोई डिटर्मिनर्स, आपने क्या सीखा कि जब भी कोई डिटर्मिनर्स, पहली कंडीशन है कि नाउन के पहले आ रहा है तो वो क्या बनकर आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी नाउन के पहले आ रहा है तो। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी कोई डिटर्मिनर्स, यदि यदि कोई भी डिटर्मिनर्स कैसे आ रहा है, अलोन या सिंगल, अकेले आ रहा है तो भी वो क्या बनेगा, प्रोनाउन। और यदि हम किसी भी डिटर्मिनर के बाद किसका यूज कर रहे हैं, ऑफ का, तो इस ऑफ के पहले जो डिटर्मिनर्स आता है ये कंडीशन भी काई की कहलाती है, प्रोनाउन। ये तीन कंडीशन है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, एक बार एडजेक्टिव है और दो बार क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले जाने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा ताकि आपका बेस और थोड़ा सा स्ट्रांग बन पाए। जैसे आपने सुना होगा एक